हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिविंग विद सुनीता शर्मा। मैं अपने वीडियो में ज़्यादातर प्लांट्स हॉल शेयर नहीं करती हूँ। मैं प्लांट्स ज़्यादा बाय नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की भी थोड़ी कमी है, और मैं वैसे प्लांट को ज़्यादातर लगाती हूँ जो कि सालों साल मेरे गार्डन में चलते रहते हैं। अपने जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ रिपोर्टिंग से रिलेटेड रहते हैं। हमेशा कोई अगर वीडियो अपलोड करती हूँ रिपोर्टिंग का, तो उसका रिजल्ट साथ में ही शेयर करना पसंद करती हूँ कि मेरे जो रिपोर्टिंग में मैंने जो भी सॉइल मिक्स लगाया डाला है वो कैसे थे और उसका रिजल्ट कैसा आया है। फिर भी मैं इन सब प्लांट्स का नाम तो बता सकती हूँ, लेकिन प्राइस मैंने एक साथ पे किया है इसलिए प्राइस मैं नहीं बता सकती हूँ। तो एक एक करके मैं नाम आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले है ये चाइनीज एक्सोरा है, और इसमें बंचेस में फ्लावरिंग होते हैं, और जैसा कि आप लोग भी देखिए इसमें बहुत सारी कलियाँ आई हुई है, देख लीजिए, और पूरा प्लांट्स भर के होगा। तो ये एक एक्सोरा का हो गया, चाइनीज एक्सोरा। और दो प्लांट मैं बहुत रेयर शेयर करने वाली हूँ, एक शायद आप लोग जानते हो लेकिन एक तो मेरे लिए भी रेयर है। वीडियो में बने रहिएगा पूरा, तभी आप लोग देख पाएंगे। और ये है बिगोनिया, देखिए बहुत सुंदर है ये। और एक चीज देखिए, इसमें बास्केट भी है, इसको भी निकालना है रिपोर्टिंग से पहले। ये बहुत ही जरूरी चीज है इसको निकालना। मैंने बहुत बार क्या किया, इसके साथ ही प्लांट्स को लगा दिया है, तो प्लांट्स की उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए ये निकालना बहुत जरूरी है। तीसरा प्लांट है ये गंधराज, ये भी मुझे अच्छा ही लगा, हेल्दी है, बहुत सुंदर है ये भी। एक ये है गंधराज, गार्डिनिया का प्लांट। ये देखिए, हमारे इधर बंगाल में इस प्लांट को टीपू चाइना कहते हैं, और ऐसे इसका नाम बेगम बहार है। बहुत सारी कलियां आई हुई है, बहुत अच्छे प्लांट है, हेल्दी प्लांट है। तो एक प्लांट ये है, ये देखिए, ये जो फ्लावरिंग प्लांट है ये है भूटान का टगर फूल, व्हाइट व्हाइट होते हैं चांदनी के टाइप का, ये भूटानी टगर है। ये भी बहुत सुंदर है, इसमें जो बहुत भरकर फूल होते हैं अच्छे लगते हैं। ये है आपका, ये भी हेल्दी लग रहे हैं। ये है एक्सोरा का, मैंने बहुत यूट्यूबर को देखा कि येलो एक्सोरा को दिखाते हुए, मुझे लगा कि मुझे भी लेना ही चाहिए क्योंकि एक्सोरा मेरे पास व्हाइट है, रेड है, पिंक है, येलो नहीं थे। अब मुझे और एक कलर लेना है, अगर इसका ऑरेंज मिलता हो तो ऑरेंज भी ढूंढ कर लेना है मुझे। हेल्दी प्लांट है, काफी पुराना अच्छा प्लांट है, देखिए। और ये देखिए डबल स्टिक वाले रजनीगंधा, ये मुझे उन्होंने फ्री में दिया। अपने प्लांट्स ले रहे हैं कुछ दीजिए, तो रजनीगंधा का प्लांट उन्होंने दिया, बोले इस साल फूल नहीं आएंगे अगले साल आएंगे, तो कोई बात नहीं, एक प्लांट तो आ गया मेरे पास। लेकिन एक प्लांट ये नहीं है, आप देखेंगे इसमें दो प्लांट। और ये है मेक्सिकन पेटोनिया, व्हाइट कलर, मेरे पास पर्पल है, पिंक है, मुझे व्हाइट लेना था, अब येलो भी लेना है। और इसमें भी तीन प्लांट है, देखिए तीन हो जाएंगे आराम से, एक दो तीन है, अच्छे खासे तीन प्लांट है। और दिखाती हूँ मैं, ये है वेरीगेटेड मिनी चांदनी, अपने आप में खूबसूरत है। आप लोग जरूर बताइएगा कैसा लगा। प्लांट्स का शो स्टॉपर प्लांट, इसको यही कह सकते हैं शो स्टॉपर। ये देखिए आ गया। अगर कोई पहचान गया है तो अच्छी बात है, उनके पास चलो है, लेकिन मैंने देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, और
सचमुच में ये प्लांट मैंने देखा नहीं है, सुना भी नहीं है। और इसकी कलियां देखिए, और ये जो प्लांट है ये ब्लू कलर का हाइबिस्कस प्लांट है। अगर ये इस, और मैंने बोला कि अगर उसमें ब्लू कलर ना हो तो फूल, तो बोला आप ले जाइए, इसमें बहुत सारी कलियां आई हुई है, अभी इसका सीजन है और फूल जरूर होगा, इस साल होगा। तो जब फूल होगा तो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए इसका फूल शेयर करूंगी आप लोग के साथ। ब्लू कलर का हाइबिस्कस, ये सो स्टॉपर प्लांट है कि नहीं बताइएगा कमेंट में, और रेयर भी है। और एक है जो कि कॉमन हो सकता है हमारे किचन में, वो कॉमन चीज है, लेकिन उसका प्लांट मेरे पास अनकॉमन, ये है काली मिर्च का प्लांट, जिसे गोलकी भी कहते हैं, पेपर भी कहते हैं, बहुत कुछ, मैं जहां तक इतना जानती हूँ बस। ये देखिए इसके पत्ते, देखिए कितने खूबसूरत है। काली मिर्च हो ना हो, ये खुद ही खूबसूरत है, और एक प्लांट से कई प्लांट भी बन जाएंगे, जैसा कि देखिए आप इसमें रूट, देखिए दिखा आपको। तो ये काली मिर्च का प्लांट है कि नहीं बताइए रेयर, मुझे तो रेयर ही लगा। ये सेकंड शो स्टॉपर, एक जोरा का प्लांट है, ये बहुत सारे हैं, देखिए देखिए, और अच्छी खासी इसमें रूट है, बहुत सारे, ये देखिए, और सभी मैं लगा लूंगी, मुझे लग रहा है कि सभी लग जाएंगे। ये मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है जो मेरी पड़ोसी भी है, उन्होंने मुझे दिया है और मैं भी उन्हें कुछ प्लांट को गिफ्ट किया है। ये मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है फंड के ऊपर, मैं पर इतना फंड के बारे में नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं इसका वीडियो कभी बनाती नहीं हूँ। इसके नेचर के बारे में मुझे उतना पता नहीं। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर तो करना ही है आप लोगों को, सपोर्ट करते रहिए, हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं, और क्या, ऐसा क्या है। थैंक यू।